जिला संगरूर दे कस्बा शेरपुर विखे डेरा सच्चा सौदा वालों चलाई मानवता भलाई दे कारजां दी लड़ी नूं जारी रखदिआं आशियाना मुहिम तहत इक लोड़वंद परिवार गुरमीत सिंह पुत्तर सतपाल वासी शेरपुर दा पूरा मकान बना के दित्ता है, जिस विच दो कमरे रसोई बाथरूम बनाए गए हन। घर बनाउण दे काम नूं महज कुछ ही घंटिआं विच डेरा सच्चा सौदा दे सेवादारां ने पूरा करता सी। सवेर समय ब्लाक शेरपुर दे जिम्मेवार 45 मेंबर दुनी चंद ते मुच्छड स्वीट हाउस वालों पवित्र नारा बोल के घर बनाउण दे काम दी शुरुआत कीती गई। सात संगत ठंड दी परवाह ना करदिआं लगातार सेवा विच डटी रही। महज कुछ ही घंटिआं विच देखदे ही पूरा मकान बन के तैयार हो गया। इस मौके कमेटी मैंबर जगदेव सोना, रवि गुरमा, सुखविंदर कोड, हुकम चंद, हरपाल बड़ी, दीपा गुरमा ते होर भी साथ संगत मौजूद सी। दस दिए कि गुरमीत सिंह अपनी माता नाल पुलियां दी छत नाल बन के मकान विच रहिंदा सी। उसके पिता की 2 साल पहला मौत हो चुकी सी अते उसके पिता एक होटल ते भांडे मांज के घर का गुजर बसर करदे सन। मीह का मौसम उसलई आफत बन के आउंदा सी अते घर दी रसोई समेत उसकी छत चौण लग जांदी सी। फिर गुरमीत सिंह ने डेरा सच्चा सौदा दे श्रद्धालुआं नाल घर बनाउण लई राबता कीता तां डेरा श्रद्धालुआं वल्लों उसकी आर्थिक स्थिति नूं समझदे होए एक दिन विच पूरा मकान बना के अपने जेब खर्चे विचों पैसा लगा के तैयार करके दे दिता गया। डेरा प्रेमी ने मेरे घर की हालत देख के घर का यह जो घर बना सी इन्होंने बना शुरू किया जी। मेरे घर की हालत है जी बहुत माड़ी जी, काना की छत बनी थी मेरी जी, तो इन्होंने इन्हों के संयोग ना मेरे घर के हालात की जोड़े सुधार आए जी। मेरे घर की छत की वह नवी बन के तैयार हो गई जी, तो मैं इन्होंने धन्यवाद करना चाहना जी। 147 मानता भलाई के कार्य जो साढ़े हजूर पिता जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसान दे रमहीन चल रहे ने, अज एक जरूरतमंद का असी मकान पा के दे रहे हैं। ये जे असी अज की स्थिति के दसीए तो जो इस गरीब जरूरतमंद परिवार है तो पूलियां की सत्त सी, जो भी मीह आउंदा सी तां इस परिवार के उत्ते एक आफत बन के आउंदा सी, ते सारा मकान सीगा जिहड़ा तिवका तिवका चौन लगता सी। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ 147 ਮਾਨਤਾ ਪਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਗੂ ਡਿਗੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਹ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ।